अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैज़ान अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इल्मी सिटी जो है हमेशा से ही अपने व्यूअर्स के लिए जो है डेली बेसिस पे इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो लेके आता रहता है, ताकि आप उनसे जो इंफॉर्मेशन मिले आपको, आप उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अप्लाई करें और माशरे के अच्छे शहरी होने का सबूत दें। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो भी कुछ इसी रिलेटेड, इसी बातों से रिलेटेड है के बिजनेस एथिक्स, कारोबार के अखलाकियात और इनकी अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के जो टॉपिक है हमारा, उस पे बात करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं, जो के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, और 11 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका, और इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई शो मैम। थैंक यू वेरी मच फिजान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप लोगों को बहुत कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर गिविंग चांस टू पीपल लाइक अस हु आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। काफी दफा ऐसा होता है कि डिफरेंट जगहों से लोगों को बुला के जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो उसमें इजाफा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू मैम। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक से शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उनमें से एक बात ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो आज का जो बिल्कुल टॉपिक है वो भी कुछ इसी बातों से रिलेटेड है, एथिक्स के बारे में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैम, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन जो है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा ये बताएं कि बिजनेस एथिक्स जो है वो होते क्या हैं। फिजान, बुकिश नॉलेज से ज्यादा आई वुड लाइक कि मैं वो बताऊं जो मैं इन्हें पढ़ के आज तक खुद इवैल्यूएट किया है। वी ऑल नो दैट बिजनेस इज बेसिकली अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी है सबसे पहले, जिसके अंदर हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इंसानों की अहमियत हमारी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा अहम होनी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे पहले ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं या जो लोग हमारे साथ हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। एथिक्स का मतलब, जैसे कि अभी आपने बताया, इखलाकियात है। इखलाक इज समथिंग जो के सारे बिजनेस के प्रॉफिट से ना बड़ा एक प्रॉफिट है, जो कि आपको प्रॉफिट मतलब एक वो फैक्टर है जो कि आपको प्रॉफिट दे के जाता है। तो बिजनेस एथिक्स वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं, वो पॉलिसीज हैं, वो प्रोसीजर्स हैं जो कि हम एज अ ह्यूमन एक सोशल एक्टिविटी के तौर पे बनाते हैं अपने बाकी साथियों को और अपनी बाकी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। सो बिजनेस एथिक्स को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो इट इज अ सोशल एक्टिविटी इन विच वी मेक दोज प्रोसीजर्स, वी मेक दोज थिंग्स, वी मेक दोज पर्सपेक्टिव्स जो के ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को फैसिलिटेट करें, विच एंड्स अप इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी। एज अ बिजनेस टीचर मैं बिजनेस से कभी भी प्रॉफिट को अलहदा नहीं करती, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ मनी नहीं है, सिर्फ मनी नहीं है, इट इज योर रेपुटेशन ऑल्सो। खाली इकोनॉमिक वेलबींग नहीं है, अब हम थोड़ा एथिक्स के परस्पेक्टिव को ब्रॉडर व्यू में भी देखते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स के आपने प्रॉफिट, दो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम बिजनेस के लोग सबसे पहले ये मानते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेन थिंग, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो ही बाकी के एथिक्स चलेंगे। लेकिन यू नो व्हाट द मिशन एंड विजन जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते आए हैं कि विजन एंड मिशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपका विजन क्या है एज अ कंपनी, आपका मिशन क्या है, तो उस मिशन के अंदर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द स्टेक होल्डर्स अलाइव। तो वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से सी देयर वेलबींग, टू मेक दोज प्रोसीजर्स, दोज पॉलिसी विच कैन इफेक्ट पॉजिटिवली ऑन द लाइफ ऑफ दीज ऑल एंटिटीज एंड स्टेक होल्डर्स। तो दैट इज बिजनेस एथिक्स टू मी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बिजनेस एथिक्स के बारे में मैम ने जो है हमें आगाही दी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है कि जिस तरह के 1915 या 60s में चाइनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया और वो पाकिस्तान स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग है उसको देख के हैरान हो गए। तो मैम, मेरा क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है कि चाइना ने जब विजिट किया पाकिस्तान को, तो उनके इतने रिसोर्सेज या नहीं थे, तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज उस वक्त भी काफी अच्छे थे। तो हमें मतलब ऐसी क्या वजह है कि जो चाइनीज है मार्केट है वो आज
कोसों दूर है पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान है वो अभी भी वहां पे स्टिल जो है वो स्टैंड करता है, तो इसकी कोई एथिक्स में कोई प्रॉब्लम है? जी फिजान, दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज गॉट मेनी डायमेंशंस, बहुत डायमेंशन है इस क्वेश्चन की, लेकिन अगर मैं इसको बिजनेस एथिक्स की तरफ डाइवर्ट करूं तो बिजनेस एथिक्स के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं देखती हूं कि सबसे जब हम बिजनेस एथिक्स पढ़ाने जाते हैं तो हम तीन चीजों की तरफ बहुत फोकस करते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तीन चीजें जिसको जो मैं समझती हूँ कि एथिक्स समझने के लिए ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको किसी भी कॉम को समझना और किसी भी बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ पर्सन जितना चाइना को पढ़ा है या जितना चाइना को देखा है, अगर आपने भी इसको व्यू किया होगा, वो कॉम बहुत ज्यादा रिजिलियंट कॉम है। वो किसी भी चीज के ऊपर बहुत फोकस्ड है। जब भी वो कुछ करना चाहती है वो उस चीज के ऊपर इंटायरली फोकस करती है, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स और उसके इम्पैक्ट्स को पहले देखती है। इट इज मोर प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव, ऐसा ही है ना, कि वो प्रोएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिव कम है। जब वो पाकिस्तान आए और उन्होंने तमाम स्टेट बैंक के पर्सपेक्टिव्स को देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि इसको हम कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉमों का फर्क है, ये कॉमों का फर्क है, ये उनकी बेस का फर्क है, ये उनकी सोच का फर्क है। आपको एक लव होता है परसेप्शन, आप किस तरीके से चीजों को प्रसीव करते हैं। वो देख के जरूर गए लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन अपने तरीके से की, तभी हमसे बाद में वजूद में आके उन्होंने अपने आप को हमसे बहुत आगे आके प्रूव किया। और उन्होंने अपनी कंट्री को यू नो दे आर कम्युनिस्ट पीपल, और जो भी कम्युनिज्म वो फॉलो करते हैं उसके अंदर उनकी तमाम कौम इस बात के ऊपर फोकस्ड है कि उन्होंने भी उस चीज को फॉलो करना है। वेयर इज इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल में मैं तनकीद नहीं कर रही, एज अ उस्ताद मैं तनकीद नहीं कर रही, बट मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या हमारे जितने भी वो बच्चे जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, सबसे पहले इस बात को माने कि तनकीद करने से चीजें नहीं बदलती हैं, चीजों को अपनाने से चीजें बदलती हैं। तो मेरे लिहाज से जो गवर्नमेंट्स है ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, हमेशा टॉप से चीजें नीचे फ्लो करती हैं जी। ये एक दस्तूर है, एक टॉप से चीजें नीचे जो है वो फ्लो करती हैं। और जब टॉप आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा ना बेटे, तो थिंग्स विल नॉट बी कंसिस्टेंट डाउन द रोड, ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इट इज अ वेरी कैंडिड रिप्लाई आई एम गिविंग, ये वो जवाब है जो कि बहुत कैंडिड जवाब है। इसका ताल्लुक किसी बुक से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी सोच से है कि मैंने चाइना को हमेशा बड़ा रिजिलियंट देखा है, मैंने चाइना को हमेशा बहुत फोकस्ड देखा है, मैंने हमेशा चाइना को जो कहा है वो करते हुए देखा है। वेयर इज इन पाकिस्तान मैंने इस चीज के अंदर कमी देखी है। हम अपने लोगों को ओन नहीं करते हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को कहते हैं कि ये नौजवान नस्ल है और ये नौजवान नस्ल हमारा यू नो हमारा फ्यूचर है, पर हम उनके लिए उतना कुछ करते नहीं है जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है करने की। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, मैं उनको इन्वायरमेंटल इश्यूज ही कहूंगी, पॉलिटिकल कह लें, लीगल कह लें, कल्चरल कह लें, डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो हमारे रास्ते में हायल हो जाते हैं। और यू नो हमें अपने काम पे फोकस्ड रहने पे ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो चाइना इससे आगे है बिकॉज चाइना फोकस्ड है। चाइना डिफरेंट कंट्रीज में जाके टेक्नोलॉजी को पढ़ता है और उसको कोशिश करता है कि बेहतरी तरीके से उन लूप होल्स को भी कवर करे जो पहले वालों में नहीं है। और दैट इज वाई उनकी तमाम कॉम, देखो एक कॉम कॉम होती है, क्राउड नहीं होता, चाइना कॉम है जो कि मिल के एक पर्सपेक्टिव की तरफ काम करती है और सारे उसको ओन करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हम ओन करने की बात करते हैं, हालांकि हमारे अबाउजदाद हमें यही सिखा के गए हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ थोड़ी सी गवर्नेंस की कमी है जिसकी वजह से हम उन चीजों से डिफर करते हैं। और डेफिनेटली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, के जो बंदा बहुत ज्यादा ऊपर बैठा है वो जिसका पेट भरा हुआ है वो बाकी पर्सपेक्टिव्स की तरफ भी देख सकता है, लेकिन हम जैसा मुल्क जो है वो पर्सपेक्टिव्स की तरफ देखने से पहले अपने पेट की तरफ देखते हैं। आजकल आप देख सकते हो अराउंड द ग्लोब, अराउंड इन पाकिस्तान, हमारी बात चीनी आटे से खत्म होके शुरू होके उसी पे खत्म हो जाती है। तो हम आगे की सोचने से पहले इन चीजों को रिजॉल्व करें,
तो मेरे ख्याल में हमें ज्यादा मोरालिटी और एथिक्स आएंगे। जी, तो जैसा कि नाजरीन मैम ने बहुत अच्छी बात की कि कॉमें जो है वो फोकस से बनती हैं, तो चाहे वो फोकस आपके डेली लाइफ के गोल का हो या आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो फोकस जो है वो बहुत जरूरी है। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डेली लाइफ से रिलेटेड भी है कि अगर आप किसी कस्टमर सर्विस को अपनाते हैं या उनकी तरफ से कुछ समटाइम्स जो होता है एम्प्लॉयज मिसबिहेव करते हैं या कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसमें जो है हम लोग जो है हमारे जो माशरे का एक अलमिया है वो हम लोग जो है हम कहते हैं जी इनकी तरबियत ही कुछ इस तरह से है, घर की तरबियत है, तो इस वजह से उन्होंने हमें इस तरह किया। तो हमें आपको क्या लगता है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी कहीं ना कहीं मतलब इफेक्ट पड़ा है उस एम्प्लॉयर पे या नहीं, या उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? फिजान, इस बात का जवाब देने से पहले मैं इधर एक ना अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास वक्त है उसको जी करने जी श्योर के लिए। मैं पढ़ाने से पहले एक बैंक के साथ मुंसलिक थी। शायद इस जी बात से, इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक जी बैंक के साथ मुंसलिक थी और वो बैंक एक मल्टीनेशनल बैंक था, है। और जी जब मैं नई उस बैंक में हायर हुई, तो एट दैट टाइम आई वाज ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड आई वाज हायर्ड देयर। जी हायर होने के बाद देखो, एक बच्चा जब एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से निकल के किसी अदारे में जाता है, तो पढ़ के तो वो जी बहुत कुछ आया होता है, हायर एजुकेशन जी भी लेकर आया होता है। लेकिन एज आई जी ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बुकिश नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। जी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द बोथ। जब आप एक्चुअल में जाके काम करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपने कैसे एनवायरमेंट को से रिएक्ट करना है। और एनवायरमेंट जी बेसिकली आपको खुद सिखाई देती है कि बेसिकली व्हाट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आपसे वो चाहती क्या है। वो एनवायरमेंट आपसे खुद इस बात का डिमांड जी करती है। लेकिन इन दोनों चीजों के दरमियान में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा अहम किरदार अदा जी करती है, जो आपको एक्सपीरियंस देती है। अब उस पर्टिकुलर जी बैंक ने हमें सीट पे बिठाने से पहले हमें जी पूरे 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी। सबसे पहली ट्रेनिंग जी कस्टमर सर्विसेज की थी, क्योंकि जी मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी से इंटरेक्ट करने से पहले बच्चा जी एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करता है, कस्टमर सर्विस से इदारे जी से जाके बात करता है। जी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि जो स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर सर्विसेज के अंदर जाते हैं, अदारे उनको ट्रेन करें। सबसे पहली बात ये, मेरा मानना भी है, मार्केटिंग में हम पढ़ाते हैं कि कस्टमर इज द किंग। जी वो नहीं आएगा तो जी हम कमा नहीं सकेंगे, सारे एथिक्स साइड पे जी चले जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, कस्टमर किंग है, आपका जी ताल्लुक आपके अदारे से है। चीजों को ओन करना जी सीखें। अदारे को चाहिए कि सबसे जी पहले, डिज्नी वर्ल्ड की अगर मैं एग्जाम्पल दूं, डिज्नी का नाम हम सबको पता होगा, जी वो सबसे पहले जी अपने एम्प्लॉइज को आशना करती है अपने कल्चर से, अपने जी कल्चर से आशना करती है। उस कल्चर को जी सिखाने के बाद, एक्चुअली जब आप किसी को अपना कल्चर सिखाते हैं, तो बेसिकली आप उसको अपना अपना मतलब आप अपने साथ, अपने आप के साथ जो है ना अलाइन करते हैं। और जब आप कल्चर को ओन जी करने लगते हैं, तो बेसिकली आपकी इदारे के साथ एक ओनरशिप आ जाती है। और उस ओनरशिप जी के बाद कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जी अंडरस्टैंड, आपके आपके क्वेश्चन की तरफ आती जी हूँ कि अगर कोई मिसबिहेव हो जाता है तो घर की जी तरबियत है या बाहर की तरबियत है। जी क्वेश्चन ये आता जी है, घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद उसकी पहली जो है ना ट्रेनिंग की जगह होती है। जब जी वो आगे चला जाता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोगों से इंटरैक्ट करता है, वो चीजों को सीखता है, इस बात का तायुन करता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जी हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल जी इस मामले में काम कर रहा होता है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड इसमें इम्पैक्ट करता है, लेकिन अदारे का बहुत बड़ा अमल दखल है। क्योंकि जब बच्चा रफ जी आता है, तो आप उसको एक सांचे में ढालते हैं। उस सांचे में आप ये बताते हैं कि आपके लिए आपके कस्टमर की क्या वैल्यू है, आपके लिए आपका जी कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इधर एक इदारे का नाम लेके आपको बताऊंगी, प्रॉबली आई होप यू पीपल डोंट माइंड दैट। मैं बात करूंगी आज से कोई 10-12 साल पहले, मोबिलिंग और वारिद,
अपने कस्टमर सर्विसेज के बच्चों को, फोन बैंकिंग के बच्चों को जो कि टेलीफोन के ऊपर लोगों की डिफरेंट चीजों को क्यूरीज को सुनते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता था कि जब कस्टमर की कॉल आती है या कस्टमर आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपने मिसबिहेव नहीं करना, बिकॉज एक कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर है, एक कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर है, उसने अपना दुख आके आप ही को बताना है, उसने अपना दुख आके आप ही को बताना है, उसकी ग्रेवेंसेज आपने ही क्योर करने है, बिकॉज यू आर एट अ हायर लेवल। जब आप बिजनेस में आ गए, आप एक वो एंटिटी हैं जिसको लोग ऊपर आंख करके देख रहे हैं, तो जब उसको आपकी तरफ एक ऊपर आंख करके देख रहे हैं तो वो आपसे क्वेश्चन तो करेंगे ना, तो कभी जब क्वेश्चन के अंदर तलखी आ जाती है या क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा बात आ जाता है कि आपको नागवार गुजरती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए खामोशी से सुन लें। इसके अंदर घर की तरबियत से ज्यादा आपके अदारे की तरबियत का मैं समझती हूँ एक बहुत अमल दखल है, बिकॉज अदारे आपको बनाते हैं, और वो अदारे जो कि अपनी अपने अपने साथ अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करते हैं, व्हेन दे ग्रो विद व्हेन देयर एम्प्लॉयज ग्रो विद देम, तब एक अदारा एथिक्स को फॉलो करता है, बिकॉज वी नो फिजान के बिजनेस बेसिकली डिवाइडेड है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब मैं आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मार्केटिंग है तो उसको फॉलो करने हैं एथिक्स, एचआर है तो उसको फॉलो करने हैं एथिक्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेन एंड टू वेमेन एंड टू द डिजर्विंग वन, राइट, एंड फिर आपकी मैनेजमेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर अगर बिलीव करती है, डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, वो ये बिलीव करती है कि नहीं, लोगों 11 दिमाग अच्छा सोचेंगे बनिस्बतन जो एक दिमाग सोचेगा, तो दिस इज ऑल द एथिक्स, बट दीज ऑल एथिक्स आर रिलेटेड टू द विजन एंड मिशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोचता आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कि ओनर है। अल्फला के ओनर का एक बहुत अच्छा लाइन है, मैं हमेशा कोट करती हूँ, दैट द एंटायर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्लोड्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट सोचती है वो डाउन द लाइन इंप्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले आपका विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आप डिसाइड करते हैं, और उसके पैरामीटर के अंदर आप उसके अपने कल्चर को इन प्लेस रखते हैं, आपको इस बात का पता है कि आपने अपने लोगों से क्या करवाना है, आप उनको ट्रेन करते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती कि इस बंदे की तरबियत घर से आई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से आई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मैं अपने अदारे को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उसको ओन कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ओन कर रही हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी को ओन कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली कि मेरे पेरेंट्स कौन है, बट ये कि मैं कहाँ काम करती हुई आ रही। तो मेरा जवाब इसके अंदर ये है कि बहुत सारी चीजें मिल के एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती हैं, पूरा एक एनवायरमेंट बनाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फलाह को पैदा करने का। सो इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वेन आई टॉक और वेन यू टॉक, देखो अभी आप जिस प्लेटफॉर्म से मेरे से बात कर रहे हो, आई वुड बी रिकॉग्नाइजिंग यू फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, सो दैट प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग शोज इन योर एंटायर कंडक्ट। जी, तो जैसा कि नाजिम मैम ने बहुत अच्छी बातें की इसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, और जो है एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी कोट की अल्फला के जो सीईओ हैं उनकी, कल्चर जो है वो टॉप मैनेजमेंट से जो है वो फ्लो करता है नीचे, और इल्मी सिटी का हमेशा से यही रहा है कि आपने जो व्यूअर्स हैं उनको जो है ऐसे डिस्कशंस लेके आए कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है लाइफ के उनके साथ रिलेट करके जो है अपने व्यूअर्स को जो है इंफॉर्मेशन दी जाए। तो मैम अभी जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एथिक्स पे अमल करना चाह रही हैं या अपने बिजनेस एथिक्स जो है वो डिवेल्प करना चाह रहे हैं कमाने वाले दिनों में जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अच्छा ट्रेन कर पाए सोसाइटी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या टिप दी जाएगी एथिक्स को करने के लिए? फिजान, मैं इधर सबसे इम्पोर्टेंटली अगेन आई वुड गो बैक एंड आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ना सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने से भी पहले अपने पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पर्सपेक्टिव को बहुत विजन और मिशन को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या गोल है हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्योंकि एथिक्स तो तब डिफाइन करेंगे ना आप
It's a conduct. It's a way of conduct. It's a way how you want to act in the society. आप किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी के अंदर पहचानना चाहते हैं, अपना रेप्यूट किस तरह बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अंदर का काम करें. सबसे पहले विजन मिशन को डिफाइन करें. यू शुड बी क्लियर अबाउट, जब हम बच्चों को रिसर्च कराते हैं तो हम ये बताते हैं कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, चाहते क्या हो. ठीक है, उसके बाद यू नीड टू हैव दी पर्सपेक्टिव के एनवायरमेंट को पढ़ें, आपकी उस पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस से रिलेटेड लीगल एनवायरमेंट क्या कहती है, आपके लॉज एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, आपकी आपके आपकी पोलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इन प्लेस है उन्होंने आपके लिए क्या तौर तरीके डिफाइन किए हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस के लिए. फिर आपका इंटरनल हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इंटरनल हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कौन किसके साथ काम कर रहा होगा, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा. क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोलिजन आता है वो तब आता है जब हमें यही क्लियर नहीं होता हमने काम किसके लिए करके किसको बताना है. We need to be clear about the internal control. हमारी policies and procedures transparent होने चाहिए. See, इधर एक point है transparency का. Transparency का मतलब है कि आप अपने stakeholders के साथ कुछ ढका छुपा के नहीं बैठे हुए. देखो जब हम business कर रहे हैं ना, we are public, right? We are public. Public can view us. Public can comment on us. हम एक public के लिए काम कर रहे हैं तो public के साथ ट्रांसपेरेंट रहना. उस पब्लिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो स्टेक होल्डर्स की एंटिटी है. और हमारे अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स की भी डिफरेंट कैटेगरी है. हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्टेक होल्डर है, हमारे पास सेकेंडरी स्टेक होल्डर है. हमने इस बात को डिफाइन करना है कि हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन है, जिनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है. जब प्रायोरिटी डिफाइन होगी तो एथिक्स अपने आप इंप्लीमेंट होगा, अपने आप कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप होंगे. हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलेगा. हमने एचआर की पॉलिसीज को परफेक्टली इंप्लीमेंट करना है, उनको इंस्टिल करना है. फिर एम्प्लॉई के बाद इंपॉर्टेंट आपके इन्वेस्टर, वो लोग जो आपके ऊपर यकीन किए हुए हैं, आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उनके साथ क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंट रहना है. जो आपके बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, डिस्कस इट विद देम, कम्युनिकेट इट विद देम. तीसरे नंबर पे आपके कस्टमर हैं, जो कि जिनके बगैर आपका बिजनेस चल नहीं सकता है, वो हैं तो आप हैं. आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहें, उनके साथ अपनी पॉलिसी, मतलब ट्रांसपेरेंट इन अ सेंस उनको अंधेरे में ना रखें. एंड दीज आर दोस पीपल जो कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है. इसके बाद वो एंटिटीज जो कि प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट एज अ बिजनेस हमारे ऊपर और हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर रहता है. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में मीडिया है. मीडिया जो कम्युनिकेट करता है वो दुनिया मानती है. हुकूमतें बनाने में, हुकूमतों को आगे लेके चलने में मीडिया का बड़ा हाथ है ना आजकल. इसी तरीके से जिस बात के ऊपर, जिस बिजनेस के ऊपर मीडिया आके तनकीद करेगा तो इसका मतलब यह है कि we need to focus media as well. It may not be our primary stakeholder but they are our secondary stakeholder. We need to keep them in our place. So in tamam transparencies ko main ek dafa isko line up kar dun, mere hisab se you need to develop in order to have or having agar ek business aap develop kar rahe ho, ek young entrepreneurs apna business develop kar rahe hain, to फाइनेंशियल देखना या बिजनेस को प्लान करना या मार्केटिंग को प्लान करना ये एक सेपरेट एंटिटी है, तो हमने करना ही है बिकॉज यही बिजनेस है. लेकिन जो बात इस वक्त आप एथिक्स की कर रहे हो, इसके लिए सबसे पहले विजन, सबसे पहले मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इंटरनल हायरार्की ऑफ कंट्रोल, आपको पता है कि लोगों को पता है कि उन्होंने किधर जाना है, अपनी क्यूरी को लेके किसको रिपोर्ट करना है, हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर लीगल लॉज, उससे भी बढ़ के जिस जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो उस जगह का कल्चर क्या है, उधर के लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद, जो हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं करने के लिए, आप अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को इन प्लेस करो. और जब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस हों उनको आप ट्रांसपेरेंट करो.
ट्रांसपेरेंट करने का तरीका है आजकल के दौर में बहुत आसान, वो ये है कि आपके आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, आपके पास ई कॉमर्स मौजूद है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जाके अपने अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा वो ये होगा कि आपको लोगों की तरफ से कमेंट्स आएंगे, आपको लोग गाइड करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर थिक विद द पीपल, थिक विद द कम्युनिटी, पीपल विल गाइड यू इन द वेरी परफेक्ट वे, एंड दैट कैन प्रोबेबली बिल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आना मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रही थी कि इट विल बिल्ड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कैसे पूरा करती है? सबसे पहले इकोनॉमिक perspectives को fulfill करके, financial perspectives को fulfill करके, investor की well-being को fulfill करके, उसके बाद अपने surroundings की legalities को पढ़ के, law को implement करवा के, law को पढ़ के, अपने इर्द-गिर्द के culture को inculcate करके, culture को पढ़ के, और चौथे perspective पे philanthropy is very important। philanthropy इंसानियत है, हम कुछ भी हो जाए हम इंसान होने से डिफर नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम इंसानियत की वेलबींग के लिए किस तरीके से खर्च करते हैं, वी हैव टू गो बैक टू द सोसाइटी अदर देन थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, वी थिंक अबाउट दोज पीपल इन द सोसाइटी हु आर नॉट एबल, और जिस कम्युनिटी के लिए हम कुछ कर सकें। सो दिस इज माई आंसर फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू इनकल्केट द एथिक्स। थैंक यू मैम। तो आज का जो सेशन है बहुत अच्छा रहा, तो अब चलते हैं हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस की तरफ। तो फजल हयात साहब हैं जिनका क्वेश्चन है कि हाउ टू बैलेंस द बिजनेस एथिक्स एंड इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। फजल हयात साहब का क्वेश्चन इज अ वैलिड क्वेश्चन। मैंने अभी दरमियान में अपने एक्सप्लेनेशन के बाद की थी इंटरनल एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं बताती चलूं, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास दो तरह की एनवायरनमेंट्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फजल साहब, मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरी पढ़ाई के मुताबिक इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है। External environment is an environment which is not a controllable environment, but internal environment mere hisab se controllable environment hai, may not be to that highest level of controllability, but still hamare haath mein hoti hai, hamare haath mein hamare employees ki trainings hoti hain, hamare haath mein hamare organization ke goals, perspectives, vision and mission hota hai, aur is tarike se hum business ethics ko uske sath inculcate kare, I would be giving an answer ke business ethics again is a interaction, is a negotiation with the people. Hum log negotiations karte hain. Internal environment ke jo sabse bade actor hain wo aapke employees hain, unke andar aapki puri top management aa jati hai. Ye wo log hain jinke sath aap debate kar sakte hain, jinke sath aap question answer kar sakte hain, ye wo log hain jinko hum somehow the other कायल कर सकते हैं। तो जब हम टॉप मैनेजमेंट के अंदर, जब मैंने अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर चार तरह की चीजें जो हैं वो बहुत डिस्कशन के अंदर आती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहले बोर्ड एंड कमेटीज का जिक्र होता है। बोर्ड एंड कमेटी वो कमेटीज हैं जिधर बैठ के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्लेस करते हैं, अपनी विजन एंड मिशन को डिस्कस करते हैं। उधर बैठ के सबसे पहले इनलाइनमेंट होना, अपनी दिमाग की इनलाइटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस एथिक्स को एक इश्यू मानते हैं। अगर हम इसको नहीं मानते तो हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको इश्यू मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि लीगल फॉलो करना, एथिक्स को फॉलो करना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को देखना, इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉई को इम्पोर्टेंस देना इम्पोर्टेंट है, और सोसाइटी को एज अ सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है, तो ही हम अपने अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस एथिक्स को इनकल्केट कर सकते हैं। अगर हम इसको मानते ही नहीं है, सबसे पहले वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट दैट इट एग्जिस्ट, इट शुड बी एग्जिस्टिंग। आपका कल्चर इज इंपॉर्टेंट। कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी जगह प्लेस इन होती है तो उसको कल्चर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको उस जगह के लॉ एंड रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर लॉस, अगर आप कंज्यूमर एफएमसीजी हैं तो कंज्यूमर लॉस को देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लॉ फॉर्म है तो उधर के लॉ को, उधर की फॉर एग्जाम्पल आप क्रिश्चियनिटी के लॉज अलहदा हैं, इस्लाम लॉज अलहदा हैं, शरिया के लॉ हमारे अलहदा है। वी नीड टू सी द एंटायर पर्सपेक्टिव। पहले अपने नेचर को देखें,
और फिर इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है टू सम एक्सटेंट, उसके साथ अपने अपने एम्प्लॉइज के साथ, उनके साथ डिस्कशन करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की ट्रांसपेरेंसी रख के, तभी मैंने बात की थी कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, ताकि कल को उठ के कोई ये ना कहे कि हमें पॉलिसीज का पता नहीं था। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो आपको आपका एक पूरा दस्तावेज मिलते हैं आपको कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बाइबल है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करें, ताकि आपके लिए तमाम चीजें तो जैसा कि नाजरीन के हमने पूरी कोशिश की कि हम आपने जो है इस टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है टॉपिक जो है काफी ब्रॉड था, तो हमने कोशिश की कि उसको जो है शॉर्ट करके जो है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके, जिससे कि आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में जो है अवेयरनेस हासिल हो। और जैसा कि मैम ने बहुत अच्छी बात की कि हमें पॉलिसी के बारे में ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखना बहुत जरूरी है, अगर हम वो नहीं रखेंगे तो जो एथिक्स का निज़ाम है हमारा वो गड़बड़ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और आपका इल्मी बहुत बहुत सिटी शुक्रिया को फिजान, और आपके चैनल का, इल्मी सिटी का बहुत शुक्रिया, दैट दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव वेयर यू कैन ब्रिंग द डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, आपका थैंक बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से जो है हमें टाइम दिया। बहुत जी शुक्रिया, जी थैंक यू सो नाजीन मच, जी, थैंक यू। तब तक के लिए नाजीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।